आज से सोना बरसेंगे तो कईयों की चांदी होगी। आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप, मैं हूं राकेश रंजन। चौंकिए मत, आज से सोनों की बारिश होगी, सोने की बारिश होगी। और आपको बता दूं कि ये जो बारिश है वो बर्मिंघम में होने वाली है और अवसर होगा 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का। तो यहाँ पर स्वर्ण पदक जो हैं बहुत सारे दांव पर लगे हुए हैं। भारत का एक बड़ा दल इसमें शिरकत करने के लिए, कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेने के लिए वहाँ पहुँच चुका है। और आपको बता दूं कि आज से ये खेल शुरू भी हो रहे हैं, आज उद्घाटन भी है। हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए प्रोजेश हैं। आप प्रोजेश, कॉमनवेल्थ गेम्स में अगर हम, ये 22वां कॉमनवेल्थ गेम्स है, अगर हम भारतीय संभावनाओं की बात करें, जबकि ये पता चल गया है कि नीरज चोपड़ा अब इसमें शामिल नहीं होंगे, क्या उम्मीदें भारत के लिए आप देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी उम्मीद तो हमारी पीवी सिंधु है, जो कि भारतीय ध्वजवाहक भी हैं। इसके अलावा लक्ष्य सेन ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था, वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल जीता था, तो ये भी एक बड़ी आशाएं हैं। साथ में हमारे जो बॉक्सर हैं वे काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, कुश्तीवीर लोग हैं वो भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो ये जो क्षेत्र है ये भारतीय का प्लस पॉइंट है। साथ में एक भारत के लिए ख़राब खबर ये भी है कि निशानेबाजी और तीरंदाजी को इस कॉमनवेल्थ गेम्स में ऐड नहीं किया गया है, क्योंकि और निशानेबाजी के बाहर होने से भारत को बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि पिछले बार जो निशानेबाजी में मेडल थे लगभग 25% जो है उस वो मेडल भारत के नाम हुए थे, 7 गोल्ड मेडल थे। तो निशानेबाजी के बाहर निकलने के बाद भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है कि वो अपनी स्थिति को कैसे मजबूत करके रख सकता है। जैसा आपने कहा कि बैडमिंटन की बात की, किदांबी श्रीकांत भी वहाँ पर हैं, तो बैडमिंटन में भारत की स्थिति तो मजबूत दिख रही है। एथलेटिक्स में की अगर हम बात करें तो नीरज चोपड़ा के बाहर होने के बाद क्या संभावना लग रही है? एथलेटिक्स में भारत का प्रदर्शन कभी बहुत अच्छा नहीं रहा है, खास करके ट्रैक एंड फील्ड में। हालांकि आपको ये भी बता दूं कि ये कॉमनवेल्थ गेम्स है और ये दुनिया का तीसरा बड़ा खेल आयोजन है। अगर हम कहें तो सबसे बड़ा आयोजन आप सभी जानते हैं ओलंपिक्स है, और दूसरे नंबर पर एशियाई खेल आते हैं जो एशियाड होता है, तो ये तीसरा सबसे बड़ा खेल है। और इस बार की एक हम बात करें, जब जैसा मैंने कहा कि सोने की बारिश होने वाली है, तो आपको ये भी बता दूं कि इस बार सोना जो है महिलाओं को ज़्यादा मिल रहा है। ये भी राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि महिलाओं को ज़्यादा स्वर्ण पदक दिए जाएंगे। 136 स्वर्ण पदक उनके नाम होंगे, 134 स्वर्ण पदक पुरुषों के नाम होंगे, तो महिलाओं के हिस्से ज़्यादा आ रहे हैं। पहली बार महिला क्रिकेट को शामिल किया गया है, भारत इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। महिला क्रिकेट में भारत की संभावनाओं पर आपके विचार क्या हैं? देखिए, महिला क्रिकेट में लगभग भारत को पदक मिलना लगभग तय माना जा सकता है, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एक मजबूत कंटेंडर है, न्यूजीलैंड भी होगा, न्यूजीलैंड जी बिल्कुल, न्यूजीलैंड कह सकते हैं कि जितने भी हेवी वेट्स हैं महिला क्रिकेट में वो सारे हैं यहाँ पर। इसके बावजूद भारतीय महिलाएं अभी फिलहाल अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, और एक आशा है कि इस बार राष्ट्रमंडल खेलों की जो महिला क्रिकेट को शामिल किया गया है उसमें भारत कम से कम पदक तालिका में शामिल जरूर हो। हॉकी के बिना हमारी बात पूरी नहीं हो सकती है, इस तरह के आयोजन जब भी होते हैं हॉकी पर हमारी सबसे ज़्यादा निगाह होती है। पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, वहाँ पर महिलाओं ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया था। अभी हमने देखा कि खेल राष्ट्रमंडल खेलों से पहले प्रधानमंत्री ने बात की तो सलीमा टेटे से बात की, जो कि झारखंड की हैं, भारत की हॉकी टीम की सदस्य हैं। तो हॉकी में क्या लग रहा है, क्या संभावना देखते हैं आप? देखिए, पुरुषों की टीम अभी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, लेकिन यहाँ पर भी वही बात हो रही है कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और ग्रेट ब्रिटेन तीनों काफ़ी अच्छी टीमें, साउथ में साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान भी है। तो अगर हम देखें तो काफ़ी कड़ी टक्कर है, और इंडियन टीम के एक और ध्वजवाहक हमारे मनप्रीत सिंह जो कि हॉकी टीम के कैप्टन भी हैं, तो हॉकी में हमेशा एक होप बनी रहती है भारत की तरफ से, और महिलाओं के लिए भी एक मौका रहेगा कि इसमें अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस करें, क्योंकि जिस तरह से वर्ल्ड चैम्पियनशिप में महिलाएं जिस तरह का परफॉर्मेंस की थी, एक आशा जगी हुई है कि भारतीय महिला टीम भी एक पदक राष्ट्रमंडल खेलों में लेकर आए। जी, और एक बार कॉमनवेल्थ गेम्स जब इससे पहले जब इंग्लैंड में हुआ था तो उस वक्त भारत की टीम ने
वो गोल्ड जीता था। और आपको बता दें कि झारखंड की सुमेराई टेटे उस टीम की सदस्य थी। तो हॉकी से बहुत सारी उम्मीदें हमारी हैं, इसके अलावा राष्ट्रमंडल खेलों से भी हम कह सकते हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी। 2002 से भारत का प्रदर्शन खास करके राष्ट्रमंडल खेलों में बेहतर रहा है, हमेशा टॉप फाइव में भारत का जो है मेडल लिस्ट में नाम रहा है। तो ये एक चुनौती है कि क्या भारत उसको और बेहतर कर सकता है। 2010 में जब राष्ट्रमंडल खेल न्यू दिल्ली में हुए थे तब भारतीय टीम दूसरी पोजीशन पर थी और वही सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है मेडल लिस्ट में भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स की हिस्ट्री में। तो क्या भारत पिछले बार से और बेहतर करता है या नहीं करता है, सबकी निगाहें बनी रहेंगी। मेडल्स में कौन किसके नाम कितने मेडल्स भारत के आता है इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। बस आप लोग देखते रहिए न्यूज़ बाइस को।